आठवीं शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट विवाह को स्थानीय कानूनी मान्यता देता है। आजकल ज़्यादातर नए शादीशुदा जोड़े शादी का प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जबकि देश की एक बड़ी महिला आबादी को इसके फायदे और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है। शादी का प्रमाण पत्र उन महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है जो शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलती है। नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 8 के मुताबिक हिंदू शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हालांकि हर राज्य में यह ज़रूरी नहीं कि और धारा 8 के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के भी शादी वैध मानी जाती है, क्योंकि हिंदू शादी की वैधता उनके रस्मों और रिवाजों से होती है। इसमें सात फेरे लेना, मंगलसूत्र पहनना इत्यादि शामिल हैं। महिलाओं का यह सर्टिफिकेट बनवाना है ज़रूरी, नहीं तो प्रॉपर्टी राइट्स में आएगी दिक्कत। आज की तारीख में ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए ज़मीन भर की कमाई लग जाती है। ऐसे में सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आपको अगर अपनी संपत्ति के अधिकार को खोना पड़े तो ये काफ़ी खराब होगा। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को इससे बचने के लिए ये एक सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। ज़मीन जायदाद जीवन में बार बार नहीं बनती है और इसे बनाने में लोगों की जीवन भर की कमाई खप जाती है। ऐसे में महिलाओं के पास अगर ये एक सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनके हाथ में संपत्ति का अधिकार जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग से लेकर जीवन के अन्य पहलुओं तक की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मैरिट सर्टिफिकेट की। भले आपकी शादी किसी भी धर्म के जाति रीति रिवाज से हो, आपको अपनी मैरिट रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है, वहीं आपको कई और फ़ायदे भी पहुँचाता है। प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित करता है मैरिट सर्टिफिकेट। अगर आप शादीशुदा महिलाएं हैं और आपके पास अब तक मैरिट सर्टिफिकेट नहीं है, तब आपको जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो पति की मौत के बाद संपत्ति का हक मांगने में आपको समस्या हो सकती है। कई बार ससुराल वाले शादी का सर्टिफिकेट ना होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं शादी को अवैध बताकर महिला से उसके हक की संपत्ति से उसे बाहर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।